दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वी नेचुरल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वैसे तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई सारी टेक्निक्स के वीडियो आपके साथ में मैंने शेयर किए हैं, जो आपकी इच्छा को, अपनी विश को पूरी करने में, मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। आज मैं आप लोगों को अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाने की एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक शेयर कर रही हूँ, बहुत ही, जिसे फोटो टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक की हेल्प से आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। मान लीजिए आप किसी रिलेशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर चला गया है, आपके बीच में अनबन हो गई है, खटपट हो गई है, ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हैं आपका पार्टनर वापस आ जाए, तो ये टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल है। साथ ही अगर आपकी शादी हो चुकी है, पति में पत्नी में अनबन रहती है, तो भी ये कारगर है। अगर आपके प्यार में, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड है, तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपके नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के नहीं मान रहे, मतलब प्यार से रिलेटेड कोई भी समस्या, ठीक है, आप दोनों के जो सोलमेट होते हैं उनके मिलने में अगर कोई भी समस्या आ रही है, तो उसको दूर करने का बहुत ही बेस्ट टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। कैसे करना है टेक्निक को, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, चलिए आपके साथ में मैं पूरा शेयर करूंगी। मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनोकामना पूर्ति के कई सारे वीडियोस मिलते रहते हैं, जो कि आपकी डेली लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ये जो हम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आपको जरूरत है सामने वाले का एक पिक्चर आपके पास होना चाहिए। अब वो पिक्चर आपके पास में, जो फोटो जैसे पहले निकलते थे कागज वाले, वो फोटो हो सकता है, आप चाहे तो आपके मोबाइल में भी सामने वाले का फोटो ले सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर का फोटो। बस ऐसा होना चाहिए कि उनकी आंखें आपको क्लियर दिख रही हों, ठीक है, आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए, आंखें नीचे नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, उधर नहीं, मतलब सामने वाले की आंखें इस तरह से होना चाहिए फोटो में कि आपको क्लियर दिखे, उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आप उसकी आंखों में आंखें डाल सके, ठीक है, तभी ये हमारी फोटो टेक्निक, पिक्चर टेक्निक काम करेगी, ठीक है। अब आपको ये टेक्निक कब करना है, आपको पूरे दिन में कोई भी ऐसा समय जब आप 5 मिनट पूरी तरह से फ्री होते हैं, आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, छोटे मोटे जो घर में खटपट वटपट होती रहती है वो भी ना हो, आप बिल्कुल एकांत में बिल्कुल शांत बैठना है आपको, ठीक है, अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक आपको फोटो चाहिए, चाहे तो वो फोटो वाला फोटो हो सकता है, आप मोबाइल में भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब हम ये टेक्निक करेंगे, दिन का कोई भी समय हो सकता है, सुबह करें, शाम करें, रात करें, कभी भी करें, बस आप फ्री होना चाहिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, रोज करना है, 21 दिनों तक करना है, ठीक है, बता दिया मैंने, रोज करना है इस टेक्निक को, 21 दिनों तक करना है। पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि अगर आपको पीरियड्स आ गया है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे से रोक दें, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले तो शांत जगह पर एकांत चित्त से बैठ जाए, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है, अपनी सांसों पर आपका पूरा ध्यान देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट करेंगे, ठीक है, गहरी सांसें लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, ऐसा आप 10 बार करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो एकाग्र होता है, ठीक है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है, तो ये सबसे मस्त प्रोसेस है। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा इस प्रोसेस को करने में, और ये जो प्रोसेस होती है ये मेन होती है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा काम करेगी ये टेक्निक। एक्चुअली ये जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स करते हैं, ये हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले जरूरत होती है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने की, तो वो कब होगा, जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, जब हम नॉर्मल बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं दिन भर के, ये जो फालतू के काम करते रहते हैं, फालतू काम से मतलब है ये जो हम ना भी काम वगैरह करते रहते हैं, दिमाग में जो बातें चलती रहती है, कॉन्शियस माइंड की स्टेज होती है, जब हम सो जाते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड की स्टेज होती है, पर जब हम किसी चीज को मेडिटेट करते हैं, एकाग्र चित्त होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो अब वो जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, तो उसमें हम जो बातें फिट करेंगे, उसमें हम जो बातें बोलेंगे, उसको जो हम दिखाएंगे, वही चीज हमारे साथ होने लग जाएगी। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड जो चीज चाहता है, जो चीज सोचता है, जो चीज फील करता है, वही हमारे साथ होता है, ठीक है। तो हमें डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट करना है, अपने दिमाग को एकाग्र करना है, बिल्कुल छोटे मोटे ख्याल भी जो होते हैं ना, वो भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर छोटे मोटे ख्याल भी आ रहे हैं तो आप थोड़ी देर और डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, ताकि दिमाग एक जगह हो जाए, ठीक है। उसके बाद में अब आपको आंखें खोलनी है,
और आपका वो जो फोटो है, ठीक है, चाहे वो फोन में हो चाहे वो आपके हाथ में पिक्चर हो, आपको उसे अपनी आंखों के सामने रखना है, ठीक है, और उस पर्सन की आपको आंखों में आंखें डालना है, ठीक है, बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाना है आपको उस व्यक्ति की, ठीक है, ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो सच में आपके सामने है, ठीक है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलना है। अब आपको क्या क्या एफर्मेशंस देनी है, आपको उस व्यक्ति के लिए आप जो फील करते हैं, आप उसके लिए जो महसूस करते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो एक दूसरे को लेकर गोल्स हैं, वो आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर प्रेजेंट फॉर्म में कहना है। प्रेजेंट फॉर्म से मतलब है ऐसे कहना है ऐसा जैसे ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, आपका पार्टनर आपसे रूठ गया है, आपका ब्रेकअप हो गया है, आप उसको वापस चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसकी फोटो आंखों में आंखें डालेंगे आप उसकी, बिल्कुल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारी दुनिया बहुत अच्छी है, हम दोनों साथ में रहते हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मतलब इस तरह की जो जो आपके सपने हैं आपके रिलेशन को लेकर, जो जो आपके सपने हैं ये आपको महसूस करते हुए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपरी मन से कहना है, महसूस करते हुए उस पिक्चर से आपको कहना है, ताकि ये जो हम आंखों में आंखें डाल के ये जो एनर्जी दे रहे हैं उस फोटो को, ठीक है, उस पिक्चर को जो हम आंखों से आंखें डालकर एनर्जी दे रहे हैं, एफर्मेशंस दे रहे हैं, तो ये सारी एफर्मेशन हम फील करते हुए दे रहे हैं, तो ये जा रही है यूनिवर्स के पास में, ये एक हाई वाइब्रेशन बन के जा रही है यूनिवर्स के पास में। यूनिवर्स ये सारी चीज़ें उस पार्टनर को ज़रूर सेंड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास में एक एनर्जी से जा रही है, तो ये उस हमारे पार्टनर के पास में जाएगी और फिर तुरंत उस पे भी असर दिखाएगी। जो फील आप करते हैं वो स्वयं एक तरह से जैसे कहते हैं ना मिरेकल होता है, वो खुद फील करने लगेगा। आप खुद देखेंगे कि अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, अगर वो आपको दूर चला गया है, उसने आपको आपसे खुद ने ब्रेकअप कर लिया है, तो वो खुद आपको ट्राई करेगा कॉन्टेक्ट करने को, ब्लॉक हटा देगा, जो भी मतलब समस्याएं हैं वो खुद चाहेगा कि ये सब चीज़ें होने लग जाए, ठीक है। और साथ में जब हम ये एफर्मेशंस दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम ये चीज़ें समझा रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारी लाइफ एक दूसरे के लिए। तो जब ये सबकॉन्शियस माइंड के पास में ये सारी बातें फिट हो जाएगी, ये वो समझ जाएगा, तो ऐसी ही सब चीजें होने लग जाएगी, ऐसा ही सब कुछ होने लग जाएगा। कहते हैं ना, जब एक कोई लाइन हमारे सामने खड़ी है, उसे हमें बिना काटे बिना तोड़े उसे अगर छोटी करना है तो एक पास में बड़ी लाइन बना दो। तो अगर सामने वाला हमें छोड़ के गया है तो उसने एक एनर्जी लेवल पे काम किया है, अपनी एनर्जी को इतना बढ़ा दो कि उसकी एनर्जी को हमारी एनर्जी ओवरलैप कर दे, ठीक है, उसको हमारी एनर्जी पूरा ढक दे, तब हमारा रंग उस पर चढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको सारी एफर्मेशंस इतने प्यार से इतनी फीलिंग के साथ में उस सब पिक्चर से कहनी है। आप देखेंगे जब आप दिल से कहेंगे ये सब चीज़ों को महसूस करते हुए कहेंगे, तो खुद आपके चेहरे पर एक हंसी आएगी, आपको चेहरे पर एक मुस्कुराहट, अंदर से खुशी फील होगी, ठीक है। और फिर लास्ट में थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ये सब चीजें आपने हमें दी है, ये सब चीजें आपने मुझे महसूस कराई है, ये सब चीजें मेरे साथ हुई है, अब जल्द से जल्द आप इस पार्टनर को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए। और इतना कहने के बाद में आप नॉर्मली अपने जो डेली फिर काम करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें आप लग जाइए। बस इतनी सी प्रोसेस आपको करनी है, बस इतना सा आपको काम करना है, पर पूरी फीलिंग के साथ में, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, पूरी हाई एनर्जी के साथ में जब आप इसे करेंगे तो आप खुद एक जादुई रिजल्ट अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। लगातार 21 दिनों तक करना है, बीच में आपको बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ना है। अगर बीच में ये छूट जाता है, ठीक है, एक भी दिन अगर गैप हो जाती है, तो आप फिर से शुरुआत करें, ठीक है, वापस ABCD करें, आप खुद देखेंगे। अगर आपने 21 दिनों तक जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से अगर आपने फील करते हुए इस प्रोसेस को कर लिया, तो आप खुद चमत्कार देखेंगे। आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस मैडम इट वर्क्स, ठीक है, बहुत जल्दी काम करेगा, आपके रिश्ते फिर सुधर जाएंगे। आप मुझ पर विश्वास रखिए, आप अपने यूनिवर्स पर विश्वास रखिए, और खास तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए। खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, मुझसे ढेर सारा प्यार कीजिएगा, अपने यूनिवर्स से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। इसी तरह से चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी फिर किसी मिरेकल टेक्निक के साथ में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखना। बाय बाय।